है। कौन कौन उस वाले मेले में था? पहले वाले में इधर था ना, तो आप बताना पड़ेगा मुझे सब। अच्छा जी, आप ये बताइए, हाँ इसको उतार ले, आप में से कौन कौन जो है वो वन स्टार है, ताकि ये पता चल जाए मैं उसी तरह। अच्छा थ्री स्टार कौन कौन है? ओ ठीक है। अच्छा कोई एक थ्री स्टार ऐसा है जो यहाँ आके बताएगा कि इनके टाइम्स है क्या? बता कौन बताएगा? जी बोले सलाम अलैकुम। कौन नाम जरा? वहां तो नहीं ना थे, बताओ जरा। तूने क्या क्या समझा? अस्सलाम वालेकुम। जहां तक मैंने देखा कि टाइम एक समंदर है, तो एक शेर ही बोल सकता हूँ, और तो बोला नहीं जा रहा अभी। टाइम समंदर है, उसके अंदर मछलियाँ बैठी हैं। आगे भाई, आगे आगे। मुझको देखना है तो मुझ में उतर के देख, मुझको देखना है तो मुझ में उतर के देख, किनारों से समंदर देखा नहीं जाता। अच्छा भाई, असल में मैं चलो यहाँ आ गया हूँ, तो मैंने आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है, हम कौन लोग हैं, हम क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, यानी सामाजिक और माशी प्रोग्राम है दुनिया का सबसे बड़ा, और इसमें 9.5 करोड़ लोग इस सिस्टम से वाबस्ता हैं। 120 मुल्कों में 50,000 से ज़ायद ऑफिसों के साथ, ठीक है। ये मुंह से कहना आसान है 50,000, पूरे सरगोधे में 5,000 दुकानें नहीं होंगी बाजारों में, समझ आ गई ना। तो 50,000 ऑफिसेस के साथ 120 मुल्कों में ये सबसे बड़ा सामाजिक और माशी प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, आम लोगों की सेहत के मेयार को बुलंद करने का भी प्रोग्राम है। क्लियर हो रही बात? Yes, और अब मुझे ये बताओ, क्या 65 साल में पाकिस्तान में आपने कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखा कि जिसमें हर आदमी या हर खातून वो उसमें आ सके और उसे ये मौका दिया जाए कि वो एक साल के अंदर अंदर 40 से 50 हज़ार और कई लाख और 1.5 लाख 2 लाख कमा जाए, ठीक है। मुश्किल नहीं है ही नहीं, कोई एक मिसाल दे मुझे एक भी। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, इसके अलावा की बात कर, ठीक है, नहीं है। अच्छा हम वो लोग भी नहीं हैं, ये कर देंगे वो हो जाएगा, 2015 में पता नहीं बिजली आ जाएगी तो 2020 में कुछ और हो जाएगा। हम वो हैं जो कहते हैं ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान में 3 लाख लोग अभी तक इससे वाबस्ता हो चुके हैं। पाकिस्तान में 115 ऑफिसों के साथ हर छोटे बड़े शहर में इस वक्त 3 लाख लोग मौजूद हैं, कराची से लेके इस्कर्दू और इस्कूर तक और वहाँ से लेके गवादर तक, ठीक है। और अभी तक हम लोग 62 करोड़ रुपए का GST जनरल सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे चुके हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जो इस साल की फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा हम अपना ऑडिट भी करा दें ना, मसला ये है, हम ईमानदार बहुत हैं। अब मसला यहाँ कारोबारी हजरात भी बैठे हैं, कोई एक भी टैक्स पूरा देता है? सब कार्ड के पीछे लिख के देते हैं, कैश मेमो भी नहीं देते कि बाद में ऑडिट ना कराना पड़े, ऐसे ही। हम इतने मुल्क पे बताना कि हम
टैक्स पूरा दे दें। 35,000 में आप ये कारोबार शुरू करते हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो, प्रोडक्ट्स लेते हो, तो उसमें से 5,000 पता किसको जाते हैं? यहाँ तो ऐसे बनते हैं ना, 3-3 स्टार 3-3 स्टार। तो 5-5 हजार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इधर 3 बना 5,000, उधर 3 बना 5,000, उधर। तो हम अब वो देखो वो परेशान हो गए, परेशान है। मुझे अगर कहता था तुम 10 लाख रुपए महीना कमाओगे, वो भी वाइट, वो भी टैक्स पेड, वो भी हलाल, तो मैं ऐसे ऐसे करके देखता था कि नहीं, मैं नहीं, कोई अलग अलग बात कर रहा है। समझ आ गई? तो अब आप लोग तो माशाल्लाह उस वक्त आए, हमें तो लोग कहते थे कि अमेरिका में ऐसे, चाइना में ऐसे, जापान में ऐसे, कोरिया में ऐसे, जर्मनी में ऐसे, अब हम कहते हैं सरगोधे में ऐसे, फैसलाबाद में ऐसे, तो गोजरे में ऐसे, तो पंजाब में ऐसे, तो कराची लाहौर में ऐसे, इस्लामाबाद में। समझ आ रही? आप तो मोटरवे पे खड़े हैं, हाथों से चल रहे हैं, वो कांटे कूटे तो पुराने वालों ने कर लिए, सब सड़के सुड़के बना दिए आपके लिए। तो अब समझ आया कि हम इस तरह, हम आम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना दे दिया, ये है सिर्फ GST। अभी ताली नहीं बजाना, अभी समझो। फिर जब हम लेते हैं अपने चेक्स, तो महीने में यहाँ 8-8 लाख कमाने वाले वो बच्चे भी जिन्होंने एक साथ 20,000 भी देखे थे, और वो 20,000 की नौकरी के पीछे 4 लाख रुपए की रिश्वत दे के तो पीछे पीछे फिर रहे होते थे, MNA MP होगी या ब्यूरोक्रेट होगी, ऐसे ही है ना। आज वो बच्चे 2-2 लाख महीना कमा रहे हैं, 20,000 जो है वो अपना इनकम टैक्स देते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स अपने बोनस के ऊपर। तो इसी तरह जो 8 लाख कमाते हैं वो 80,000 देते हैं। हमारे सिर्फ ये वाला टैक्स भी हम कर लें ना अगर अभी तक, तो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 25-26 लाख रुपए का ये टैक्स जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सॉरी नॉट 25-26 लाख, 25-26 करोड़ की बात है। 65 का तो सिर्फ मेरा ही गया है, 65 लाख का चेक ना नवाज शरीफ ने इनकम टैक्स दिया है, ना खादिम आला ने दिया है, ना जरदारी ने दिया है, ना वो कौन था पहले, वो तो बाहर से आके बन जाए वजीर आजम सौ का तजीद, ना उसने दिया है, ना परवेज मुशर्रफ का, जाओ CBR में मेरा चेक कर लो। मैं मुल्क में वतन हुआ या वो हुआ? मैं हुआ। समझ आ रही बात? अच्छा, उसके बाद 3,000 दवाएं ऐसी हैं जो दुनिया में बैन है, जिन पे सजाएं हैं, उनको अप्रूव करके आज पूरा पाकिस्तान वो खा रहा है, जिसके साइड इफेक्ट्स हैं। वो तो ये लंदन चले जाते हैं, हमें ये कचरा दे देते हैं, ऐसे ही है। आप में से कोई एक घर ऐसा है कि जिसके दवाओं का सेक्शन ना हो कोने में किसी अलमारी में? कोई एक घर है? उसके बावजूद सेहत है, पैसा खर्च कर रहे हैं। आप वहाँ से शैम्पू लो बाहर से, और वही शैम्पू यहाँ से लो, वैसा होता है? बाहर से वही दवा लो, वही मार के कि यहाँ से दवा लो, वैसी होती है? सब क्या कर रहे हैं? मिलावट, धोखेबाजी, फ्रॉड, जखीरा अंदोजी। रमजान से पहले क्या हो रहा है? जखीरा बड़ा सवाब का काम है, क्या ख्याल है? बहुत सवाब मिलता है, 70 गुना सवाब मिलता है, जितना जखीरा करोगे उसका 70 गुना मिलेगा, ऐसे ही क्या होता है? हराम होता है, हलाल होता है? हाँ, हम वो करते हैं, तुम लोग करते हो, अल्लाह के बंदे टाइम वाले करते हैं। यहाँ आखिरी से आखिरी स्टैंडर्ड क्या है खाने की चीज का या दवा का पाकिस्तान में, कौन बताएगा? आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप आवाम हैं, आवाम को तो पता ही कुछ नहीं होता। आपको ये पता होता कदरीना कैफ आजकल किसके साथ फिर रही है, ये तो पता होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, कैसे जुलूस निकालना है, वो नहीं पता। वो तब को तोड़ ताड़ के अपने भाइयों का आ जाते, ऐसे ही है ना। तो अब गुस्से होने की जरूरत नहीं, इसमें कई लोगों ने मुझे भी चुच्ची आंखों से देखा ही है। समझ आ गई? मैं यहाँ सही बातें बता रहा, क्योंकि हम कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं, मौलवियों के पीछे नहीं लगना ज्यादा, अब लोग मौलवी परेशान हो गए। इस्लाम के पीछे लगना है मौलवी के पीछे, मौलवी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है।
अब देखो पीछे वाले ने कहा अभी फतवा देते हैं, ये निकलेंगे ना नीचे पथराव कर देंगे। तो अल्लाह के बंदे आप समझो ना, मैं खुद बहुत बड़ा मौलवी हूँ, मेरा सीट भी है, सूट नहीं देखना टाइट हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सिस्टम है कि जो आपको हलाल रोजगार लाखों की तादाद में प्रोवाइड कर सकता है, कर चुका है, कर रहा है और करेगा आइंदा आप लोगों के जरिए से। अब कोई ऐसा सिस्टम है कि जो एजुकेशन भी देता हो साथ में, बिजनेस की एजुकेशन हम देते हैं, टीम मैनेजमेंट की एजुकेशन हम देते हैं, टाइम मैनेजमेंट की एजुकेशन हम देते हैं। जब आप लीडर्स बनते हैं, मानी बहुत बड़ी टीम लेके चलते हैं, तो लीडरशिप की मैनेजमेंट हम देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, ये सारे कोर्स करते हैं। जरा जाओ मैं तुम्हें बताऊँ, लाखों रुपए लग जाते हैं इधर MBA करने में और लम्स में और इधर उधर, जो हम बगैर ये सोचे देते हैं कि आप गधा गाड़ी वाले के बेटे हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सरदारी के बेटे हो या ब्यूरोक्रेट के हो या फौजी के हो या ताजिर के हो या छोटे के हो या अमीर के हो या गरीब के हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कौन सा फिरका है, हमें इससे मतलब नहीं है। आपका कौन सी जबान है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि कौन है जो कुछ करना चाहता है, कौन है जो कुछ करना चाहती है और उसके पास रास्ता नहीं है, और हम उसको ये काम बताएं, सिखाएं, सपोर्ट करें और चलाएं। लेकिन जैसे ही आप लोग मार्केट में जाते हैं, तो जब हम गए थे तब भी ऐसे ही हुआ था, अब तो मैं उनको ढूंढता फिरता हूँ, मैंने मैं 1 लाख कमाऊँगा, मैं मतलब हल्का फुल्का आदमी नहीं हूँ, मतलब मेरा बाप भी 20वें ग्रेड का, ब्यूरोक्रेट, मैं भी 17वें में जाके ACM में करके लगा, CA के बराबर होता है। तो वहाँ हलाल आराम तनख्वाह थी, जो मैं बिल पास करता था ना बड़े बड़े गवर्नमेंट के, वो सारे आराम के ही होते थे, तो मैं रोक के इंक्वायरी लगा देता था। तो 1.5 साल मुझे एक्सप्लेनेशन ही आती रही, मैं कहा जब मुझे टाइम मिली मैं खड्डे में डाला छोड़ दी, समझ में आ गई। क्योंकि अगर हराम ही खाना तो मैं हीरोइन का काम ना करूँ, हराम ही खाना होगा तो अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर भत्ते ना ले लेता करोड़ों के, मैं कराची में रहता हूँ तो मैं पागल हूँ, मैं इन कामों में आऊँगा। मैंने देखा कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ने इस कंपनी को एजाजी मेंबरशिप दे रखी, 9.5 करोड़ आबादियां नहीं होती अक्सर मुल्कों की, इन्होंने इतना बड़ा काम किया तो एजाजी मेंबरशिप मिली। जब हम हेडक्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर उनके चाइना के साथ कंपनी के परचम के साथ ये भी लगा हुआ होता है, यूनाइटेड नेशन का परचम, इतना बड़ा हेल्थ और ह्यूमैनिटी का काम किया। ठीक हो रही, अभी समझ आ रहा है? Yes, कि आम आदमी की मेयारे सेहत बुलंद हो रहा। अब आप में से कौन है, मुझे नहीं पता सरगोधा में खवातीन जॉगर पहन के सुबह घूम सकती है कि नहीं, वो एक्सरसाइज के लिए पार्क में होता है इधर, yes, तो इधर होता है, कल पेशावर में था, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, घर पे कुछ कर लो तो कर लो। ठीक ठीक, तो अब क्लियर हो रही बात? Yes, तो ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके आम लोगों को जहाज भर भर के चाइना ले जाता है। गए थे ना अभी? पूछे yes, निकली नहीं है सही से, 1 लाख रुपए का चेक है, इतना इनकम टैक्स है और सीधा जाके चीचावतनी गए नहीं ढंग से कभी, सीधा 5-स्टार होटल में चाइना के बैठे में, ना टूटी खोलनी आ रही है, ना छुरी कांटे से खाना आ रहा है, ना बस में टिकट लेना आ रहा है। ऐसे लोगों को सैकड़ों की तादाद में कोई बाहर लेके गया कभी लीगल तरीके से? हमारे वीजा क्यों लगते हैं? पहले हम कमाते हैं, हमारा फिर चेक बनता है, बैंक में जाता है, बैंक की स्टेटमेंट बनती है, फिर इनकम टैक्स स्टेटमेंट बनती है, फिर कवरिंग लेटर, इतनी बड़ी कंपनी का जिसकी सेल मुल्क की बजट पाकिस्तान के साल के जो बजट आता है ना पेश होता है, उससे ज्यादा सेल है आपकी कंपनी की। ठीक है, अब उसका लेटर आता है, फिर आपका वो वहाँ के वजीर सफीर की भी वो होती है जो वहाँ का टूरिज्म का वो होता है सारा, तो हमें तो यहाँ तो वीजे लगते हैं आराम से, फिर हम जहाज भर के चले जाते हैं, जहाज में हम ही हम होते हैं, समझ में आ गई? फिर जब कराची में एंटर होते हैं एयरपोर्ट में, तो ऐसे वाले देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, जैसी शर्टें पहन के इनकी लाइन ही
खत्म किया, हम कहते भाई जहाज ही हमारा है, हम हमारी बोर्डिंग करो जल्दी से, तो हम जाए। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहें तो यहाँ ताजिर बैठे, करोड़ करोड़ रुपए लगा के बैठे, हलाल से कमाना चाहें तो 1 से 1.5 लाख आता है, हलाल से 1 करोड़ घुमाने।